सॉरी, और इसका सम आया है हमारे पास वेरियंस का 1.64, इसका है -0.9, एंड इसका लैग 2 के साथ आया कोवेरियंस 0.41, लैग 3 के साथ आया 0.1 -0.17, एंड लैग 4 के साथ आया -0.24, एंड लैग 5 के लिए आया 0.11। अब हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूलाज में पुट कर देते। ये है जी R1 = R1, वन का मतलब लैग 1, 2 लैग 2, 3 लैग 3, एंड अप टू सो ऑन लैग 4 फॉर लैग 5। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं उनको हम लोगों ने मोर सिंप्लीफाई करके अपना आंसर फाइंड कर लेना। इसी तरह हमारे पास एक आंसर आता है 0.-0.55, -0.25, -0.10365, -0.1046 and -0.1646 and -0.067। और इसके बाद हम इसका चलते हैं, हम लोगों ने इसका कोरेलोग्राम भी बनाना होता है, जो कि हम लोगों को पेज नंबर 34 पर गिवन है जी। ये रहा हमारा क्वेश्चन, उसका कोरेलोग्राम। कोरेलोग्राम एक्चुअली इन द एनालिसिस ऑफ डाटा अ कोरेलोग्राम इज एन इमेज ऑफ कोरिलेशन स्टैटिस्टिक। जो कोरेलोग्राम होता है वो हमारे पास कोरिलेशन स्टैटिस्टिक की एक तस्वीर की तरह होता है। इन टाइम सीरीज एनालिसिस अ कोरेलोग्राम इज आल्सो नोन एज एन ऑटो कोरिलेशन प्लॉट, विच इज अ प्लॉट ऑफ द सैंपल ऑटो कोरिलेशन वर्सेस द टाइम लैग। इसमें हमारे पास कोरेलोग्राम क्या होता है, कोरेलोग्राम को हम लोग ऑटो कोरिलेशन प्लॉट भी कहते हैं, जिसमें हम लोग अपने ऑटो कोरिलेशन वर्सेस टाइम लैग के हिसाब से हम लोग अपने एक डायग्राम ग्राफ बनाते हैं। इसमें देखें एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने रख लिए हमारे जो ऑटो कोरिलेशन से, और उसके बाद ये जो एक्स एक्सिस पे है हमारे पास लैग्स, एक्स एक्सिस पे लैग्स होते हैं, और हमारे पास इसमें हमारे पास जो हम लोगों ने ऑटो कोरिलेशन फाइंड किए होते हैं ये होते हैं। ठीक है, ओके।